बीकानेर संभाग में इंदिरा गांधी नहर की बंदी का दौर हर वर्ष गर्मियों में नहर की मरम्मत के साथ शुरू हो जाता है। इस बार भी नहर की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। यहां से हर वर्ष मरम्मत के समय नहर से पानी चोरी होता है, इसको लेकर शिकायतें भी मिलती है, लेकिन कभी चोरी नहीं रुकती है। इस बार इन्हीं सब पर नियंत्रण करने के लिए बीकानेर के IG ओम प्रकाश और संभाग का प्रशासन संयुक्त रूप से नहर से पानी की चोरी रोकने के लिए एक नवाचार कर रहे हैं, जिसके चलते नहर के किनारे पुलिस की पेट्रोलिंग की जाएगी और रात 2400 घंटे जारी रहेंगी। अभी भी 15 दिन नहरबंदी और चलेगी। इन सभी को देखते हुए बीकानेर संभाग में पुलिस और प्रशासन की पेट्रोलिंग का नवाचार यह रंग लाया है, जिसके चलते अब तक 38 मुकदमे चोरी के दर्ज हो चुके हैं। बीकानेर के IG ओम प्रकाश से खास बातचीत की A1 TV संवाददाता KK सिंह ने। नहरबंदी का दौर बराबर जारी है और एक तरह से कहा जा सकता है कि बीकानेर सहित जो पास वाला बेल्ट है, आसपास का जो बेल्ट है, वहां पर पूरे संभाग में एक तरह से पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है। इस बार नहर की रखवाली के लिए कोई भी पानी चोरी नहीं कर सके और आम लोगों तक पानी पहुंच सके, ऐसी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है पुलिस के द्वारा। बीकानेर के IG ओम प्रकाश हमारे साथ हैं, बराबर दौरा कर रहे हैं, बात करते हैं। क्या सर, इस बार हमने विशेष व्यवस्था कर रखी है और पुलिस और प्रशासन की ज्वाइंट पेट्रोलिंग टीम पेट्रोलिंग भी कर रही है। मेरे द्वारा और संभागीय आयुक्त द्वारा दौरा भी किया गया है, जहां जहां पे समस्या थी उनको निर्देश दिए गए हैं और 38 मुकदमे पानी चोरी के दर्ज किए गए हैं, जिसमें 25 में चालान पेश किया गया है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी पानी चोरी ना हो, जिससे कि आमजन को शिकायत न मिले। इस बार ये आइडिया आने के पीछे क्या, चूंकि हर साल ऐसा होता है नहरबंदी होती है, लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसा देखने में आया है? इस बार चूंकि नहर के मरम्मत का कार्य चल रहा है, इस कारण से नहर में पानी बंदी है और इस कारण को पिछली बार थोड़ी बहुत समस्याएं आई थी, तो हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश करी है कि ऐसी समस्या ना आए और पॉन्डिंग के द्वारा जो पानी संरक्षित किया गया है उसका सही उपयोग हो और पुलिस और प्रशासन मिलकर के इसको सुनिश्चित करे कि पानी चोरी ना हो। आपने विजिट किया, उस विजिट के दौरान किस तरह की चोरी देखने में आई, हम अब तक सुनी है आपने? जो लोग वहां पे डिग्गियों में चोरियां करते थे वो तो लगभग रुक गई है और जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की है उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की है और चालान भी पेश किए हैं। मसीता वाली हेड पे हम लोग गए थे और जिस तरह का कार्य चल रहा है, लोगों के द्वारा उससे परेशानी में क्रिएट किया जाए, लोगों को यह समझाया जाए कि उन्हीं के लिए नहर की मरम्मत का कार्य चल रहा है और आने वाले समय भी जो 15 दिन बाकी है उसमें सतत पेट्रोलिंग जारी रहेगी और कोई भी ऐसा कार्य करेगा जो पानी चोरी का कार्य, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से पेट्रोलिंग पुलिस की बराबर जारी है और जारी रहेगी, आने वाला 15 दिन और है नहरबंदी के, आम जन तक पानी पहुंचाने का काम भी एक तरह से पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान रहेगा और पुलिस ने ये जिम्मा बीकानेर के जिला प्रशासन कह जा सकता है, संभाग का जिला प्रशासन और बीकानेर का संभाग का पुलिस प्रशासन दोनों के द्वारा एक उत्तम व्यवस्था कही गई है। KK सिंह।